ब्लड लाइन हुई और भी ज्यादा ताकतवर। पॉल हेमन को समझ नहीं आ रहा आखिरी ब्लड लाइन में और कितने मेंबर आने वाले हैं। तो भाई बैकलैश का पहला मैच हो चुका है जिसमें रैंडी ऑर्टन ने आरक्यू लगाई टामा टोंगा को और सोलो सिकोवा को लगाई अनाउंसर टेबल पर। और सबसे ज्यादा मार अगर किसी ने खाई है इस मैच के दौरान तो वो थे केविन ओन्स, जिसे सबसे ज्यादा मार खानी पड़ी सोलो सिकोवा और टामा टोंगा से। और मैच की बात करें तो एक्सट्रीमली रूल्स मैच था, यहाँ टेबल कैंडल्स और स्टील ड्रम का यूज हुआ और ये मैच रिंग के बाहर भी देखने को मिला। एंड मूवमेंट पर एंट्री होती टामा टोंगा के भाई और वो काउंट को रोकने के लिए रेफरी को बाहर खींच लेते हैं और फिर रैंडी ऑर्टन और केविन ओन्स पर अटैक करते हैं स्टील स्टेप से। और यहाँ सोलो सिकोवा अपना फिनिशर केविन ओन्स के ऊपर लगाकर मैच को जीत जाते हैं। ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट था, सबको लग रहा था कि जैकब फाटू आने वाले पर यहाँ पे टामा टोंगा के भाई निकले और इसी के साथ एक न्यू ब्लड लाइन बन चुकी और पॉल हेमन बिल्कुल भी खुश नहीं। जिस तरह सोलो सिकोवा सबको मार रहे हैं, कोई भी सोलो सिकोवा को ट्राइबल चीफ नहीं मान रहे। और क्या रियली में सोलो सिकोवा लीडर बन चुके ब्लड लाइन के या फिर आगे चलकर दार उकाने वाले ब्लड लाइन को रन करने के लिए? और अब रोमन रेंस के लिए और भी मुश्किलें बढ़ चुकी है। पहले सोलो सिकोवा और टामा टोंगा थे पर अब एक और मेंबर आ चुका है ब्लड लाइन के अंदर और अब रोमन रेंस को अपने भाई ओसोस के साथ आना पड़ेगा क्योंकि सोलो सिकोवा ने ब्लड लाइन को और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया है।